स्वागत है आप लोगों को फिर से मेरे YouTube चैनल रदीप राय दार्जिलिंग पर। तो आज हम कहीं जाने का प्लान एक्चुअली कर रहे थे, तो देखते हैं कहां तक का ये सफ़र होता है। तो पहले जो है हमको ब्रेकफास्ट करना है, और जैसे कि आज पता है आप लोग आज संडे है, हमारा वीक ऑफ है, तो हम लोग थोड़ा बाहर की तरफ निकल रहे हैं कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलेंगे ब्रेकफास्ट की एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो ये हमारे साथ जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा है, ये है हमारे भाई, हमारे गांव के संजय भाई। तो आज हम लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या सोच रहे हैं संजय जी? अभी तो फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो पहले पेट पूजा फिर सोचेंगे। ठीक है, पहले पेट पूजा और उसके बाद में प्लान। ठीक है, तो ये आपका जेपी नगर है, अपोलो रोड होकर हम यहाँ से जा रहे हैं। तो चलेंगे यहाँ से हम उदुपी के रेस्टोरेंट पर। यहाँ आप देख सकते हैं एक चाय का स्टॉल है, जैसे कि सदाबहार चाय हमेशा की तरह यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है रिफ्रेशमेंट के लिए। और हमारा जो है रेस्टोरेंट हम लोग पहुँच चुके हैं, यहीं पर है ये। यदि आपको मैं लोकेशन यदि बता दूँ तो ये है आपका जेपी नगर, यहाँ आपका बानरघट्टा मेन रोड है, अपोलो हॉस्पिटल, और ये अपोलो रोड कह सकते हैं। तो ये है उदुपी कैफ़े, जहाँ पर आपको प्योर वेज खाना यहाँ पर मिल जाता है। तो हम लोग जो है यहीं पर खाना खाने वाले हैं, और उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे कहाँ जाना है। तो अभी जो हमने है उदुपी कैफ़े पर इडली वड़ा लिया है दो, जो कि हमको यहीं पर खाना है, इसलिए 45 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा। यदि आप देख पा रहे होंगे तो दिस इज़ कॉल्ड इडली वड़ा इन साउथ, तो काफ़ी टेस्टी रहता है। तो फिलहाल हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग यहाँ नियर बाई पार्क पर जा रहे हैं। और दूसरा बात, जैसे कि मैं आप लोगों को बेंगलोर के काफ़ी एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बेंगलोर तो आपको पता है कि बहुत अच्छा जगह है, एक आईटी हब के साथ में एक जॉब हब भी एक जगह है। नॉट ओनली द बेंगलोर, आप यदि अदर पार्ट ऑफ द इंडिया जाएंगे, जैसे कि जो भी मेट्रो सिटी है लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड एनी अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, उधर भी है। तो बेसिकली मैं यहाँ स्टे करता हूँ, तो सो मैं यहाँ के बारे में कुछ बताने का आप लोगों को कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ चाहे सावधानी का बात हो, जॉब्स वगैरह के बारे में बात हो, रूम्स या फिर कुछ पीजी वगैरह के बारे में। तो जैसे कि चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ बात के बारे में, आज जैसे कि टाइम हमको मिला है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त लोग, मेरे सब्सक्राइबर लोग पूछा करते हैं कि हम बेंगलोर पर आए, क्या काम मिलेगा हमको, और कहाँ रहे, क्या करें। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोग को मैंने बताया है, सबसे पहले देखिए आपको कहीं पर भी जाना हो, ठीक है, यदि आपको विद इन द इंडिया जाना हो या फिर आउट ऑफ द इंडिया अब्रोड आपको जाना हो, तो सबसे पहले जो आपको वेरी करता है दैट इज़ आपका रूम। ओके, रूम अकोमोडेशन आपका होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए जो है आपको बेंगलोर पर यदि आप कैपेबल हैं तो आप यहाँ पर पीजी ले सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट आइडिया फॉर स्टेइंग अलोन इन बेंगलोर, ठीक है। पीजी आप ले सकते हैं, पीजी के बारे में लास्ट वीक हम लोग घूमे थे, क्योंकि भाई को भी पीजी देखना था। तो पीजी के बारे में जैसे कि हमने जाना करीबन 4 से 5 शेयरिंग का, ठीक है, 4 से 5 शेयरिंग का, दैट मीन्स है कि आपको एक साथ में 4 से 5 लोग रहना पड़ेगा एक रूम पर, और आपको अलग से बेडिंग वगैरह आपको वहाँ पर रहती है। तो वो 4 से 5 शेयरिंग में रहेंगे, तो कुछ जगह हमको 5,000 रुपये बताए और कुछ जगह आपको 6,000 रुपये भी बताए, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि आप महीने का 5 से 6 हज़ार रुपया दे के आप पीजी में रह सकते हैं, जहाँ पर आपको खाने का व्यवस्था वहाँ पर तीनों टाइम मिल जाएगा, और जो खाना है आपको नॉर्थ टाइप का मिल जाएगा और साउथ टाइप का भी मिल जाएगा, ठीक है। 5,000 का है, 6,000 का है, या फिर आप चाहते हैं कि सेपरेट रहना 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, तो जो है आपको इसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। और आप जब रहेंगे स्टार्टिंग में, तो हमने पूरा इंक्वायरी किए, तो उन्होंने बताया कि आपको जब एंट्री करेंगे पीजी पर, तो आपको जो है 1 महीने का जो है आपको रहने खाने का किराया जो 5 से 6 हज़ार रहता है वो आपको देना पड़ेगा, और एडवांस मनी करीबन 2 से 3 हज़ार देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पूछा क्यों हम पहले ही पे कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि ऐसा होता भी है बेंगलोर पर, बहुत लोग जो है बीच में रहते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो लोग इसके बारे में बताए, हमको पहले पे करना पड़ेगा, और यदि आप
सिंगल रहना चाहेंगे तो आपको पता है आपको फैसिलिटी बहुत अच्छा रहेगा आपके ऑलोन के लिए, लेकिन आपको जो है किराया जो है आपको ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, करीबन 15,000 से 16-17,000 भी हो जाएगा। दो लोग हैं तो थोड़ा 12-13,000 हो सकता है, तीन लोग थोड़ा सा रहेंगे तो आपको करीबन 8-9,000, तो इस टाइप का रहता है। मतलब पीजी पे और आप शेयरिंग में ज़्यादा 5 लोग 4 लोग 6 लोग रहते हैं तो आपका जो है अमाउंट जो है आपको काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में हमने बात किया, और जैसे कि मैंने बताया कि हम पार्क पर आए हैं, ये एरिया का पार्क है जो कि मैं आपको अभी कुछ इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, ये आर्केरी एरिया पर है। जैसे कि मैंने इस पार्क के बारे में बताया तो ये पार्क का जो नाम है श्री पांडुरंगा नगर पार्क है, ये आपका बोमनली जोन पर पड़ता है, ये आर्केरी एरिया है। और जैसे कि मैं इसका ये आपको टाइमिंग के बारे में बता दूँ, नहीं तो आप लोगों को ठीक है आने के बाद फिर आपको रिटर्न होना पड़ेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका कनाडा में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ का लोकल लैंग्वेज कनाडा है। तो मॉर्निंग के सीट पर आप यदि यहाँ पर टहलना या फिर कुछ कसरत करना आएंगे तो सुबह 5 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक का टाइमिंग रहता है, ठीक है, जो कि आपको ऑल फ्री है, आप घूम सकते हैं, यहाँ इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए अलग से है, बड़ों के लिए अलग से है, ठीक है। तो सुबह का 5 बजे से 10 बजे, और शाम को आप आएंगे तो शाम आप यहाँ पर 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यहाँ पर टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपका टाइमिंग क्लोज हो गया है इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आउटसाइड से दिखा दूँ तो ये बच्चों के लिए है अलग से, ठीक है, वो पर्पल कलर में जो आप देख रहे हैं वो बच्चों का इक्विपमेंट है। और इस साइड में जो है आपको ये कुछ ब्लू टाइप में हल्का दिख रहा है, ये जो आपका बड़े लोगों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए अलग से है। आप यहाँ पर किड्स पार्क वहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके साथ में यदि मैं आपको यहाँ दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको टहलने का एक करीबन बड़ा जगह है, मुझको लगता है ये शायद अराउंड 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर में रहेगा, ठीक है। वहाँ पर बैठने का जगह है, आराम से आप आके फैमिली फ्रेंड्स के साथ में आराम से बात कर सकते हैं, टाइम वगैरह आप स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग आज यहाँ पर आए, टाइम जो है क्लोजिंग हो चुका था। एक्चुअली हमने कुछ ऐसा प्लान तो नहीं बनाया था यहाँ आना है बोल के, जस्ट आज संडे था तो बाहर निकले हम लोग, ब्रेकफास्ट किए और यहाँ पर आ गए। तो संजय जी, चलिए हम लोग तो हिंदी में ही बात करते हैं, हमारा मदर टंग तो नेपाली है, बट आई हैव जो है एरिया में चाहता हूँ कि मेरा जो ये लैंग्वेज है सभी लोगों को पता है, ठीक है, जो है हम तो गोरखाली जो भी है। तो राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन कर्नाटका, वी लव आवर नेशन एंड ऑल्सो जय कर्नाटका, ओके वॉट एवर। तो संजय जी, आज आपका टोटल यहाँ पर कितना महीना हो गया और आप क्या फील कर रहे हैं बेंगलोर के बारे में, वेदर कैसा है, ट्रैवलिंग कैसा है और कैसा लगा यहाँ के बारे में? मेरा करीब 2 महीना के करीब हूँ मैं, और अच्छा। 2-3 दिन बाद मेरा 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा अच्छा। बेंगलोर में। सो आप वेदर के बारे में पूछे, वेदर बेंगलोर का बहुत अच्छा है अच्छा। गर्मी का एहसास कम होता है, और आपको जब भी आपको मतलब एक वार्म क्लोथ लेके आप चल सकते हैं, क्योंकि वेदर मतलब, बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मल एक कपड़ा पहन सकते हैं ना, उतना पहन सकते हैं हाँ। और वेदर बहुत अच्छा है, बहुत मेरा अच्छा। बोलने का मायना है कि वेदर बहुत अच्छा है, और हम लोग का बंगाल का कंपैरिजन में हो या कोई भी अदर जैसे दिल्ली उल्ली का कंपैरिजन में हो, मुझे लगता है कि उधर से बेटर वेदर आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ का जो ट्रैफिक का बारे में आप पूछे, और ट्रैफिक थोड़ा सा यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़, रोड में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड, बहुत आपका ज़्यादा भीड़ भरा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि आपका डेवलप सिटी है तो उसका हिसाब से बनता है ना, तो बनता ही है बनता तो। और आपने जैसे कि आप तो एक आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा यहाँ पर एजुकेशन का कितना वैल्यू है? देखिए अभी हम लोग तो बेसिकली दूर दराज का मतलब एक उतना टाउन तो नहीं बोल सकते हैं, बट नियर बाय टाउन हम लोग रहते हैं। तो देखिए हम लोग का एक्चुअली एजुकेशन का कितना वैल्यू है हमारे ज़िंदगी में, और एजुकेशन कितना ज़रूरी है, और जॉब पाने के लिए क्या हमको सहायता मिलती है, और क्या कंपटीशन है, और कितना यहाँ पर आने के बाद यदि हमारे पास क्वालिटी और एजुकेशन हो तो कितना का हमको इजी या फिर हार्ड पड़ रहा है, मतलब कुछ जॉब का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हो या फिर जॉब पाने के लिए? सर संजय जी, देखिए एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर आने के बाद आपको पता चलेगा कि एजुकेशन का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि आपके पास एजुकेशन अगर होता है तो यहाँ पर आके आपको पता चलेगा कि जॉब कितना इजीली आपको मिलता है, लेकिन आपके पास एजुकेशन नहीं है तो यहाँ नहीं, आपको बहुत जगह बहुत सारी दुविधाएँ आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर एजुकेशन है
तो आप इजीली यहाँ पर आके आपको इजीली हर गली में आपको काम मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन का नहीं होने का चलते आपको काम मिलेगा लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन हो तो आपको इजीली हर सेक्टर में आपको काम मिल जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन वेरी हम लोग को ये भी करता है दोस्तों कि हमको अपना जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक डिग्री के साथ में जो है हमको आईटी दैट मींस मतलब कंप्यूटर सेक्टर का भी हमको होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको विशेष करके मैं बोलता हूँ आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ईच एंड एवरी प्लेस ये जो इम्पोर्टेंट एक जो रोल अदा करता है आपको, जैसे कि इनके जो कंपनी में हैं सारे इम्प्लॉइज़ हो या फिर जितने एडमिन वगैरह हो सारे इंग्लिश पर ही बात करते हैं, ठीक है। और आपको इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इंग्लिश आप यदि जानते हैं अच्छा, यदि आप बात कर लेते हैं फ्लुएंट आपका है तो दैट इज़ द प्लस पॉइंट फॉर यू, एंड इफ़ यू डोंट हैव तो भी आप नॉर्मली कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मेरे बारे में बताऊँ, आई हैव कम्प्लीटेड माई 8 ईयर इन कर्नाटका, ठीक है। तो जब मैं शुरू में आया था, संजय जी आपको कुछ छोटा सा मेरा अनुभव बता दूं, तो जब मैं यहाँ के लैंग्वेज के बारे में सुनता था लोगों का बात करना, मतलब क्या है ये ऊपर से उड़ जा रहा था, ठीक है, व्हाट दे आर टॉकिंग इन ईच अदर सब ऊपर से उड़ जा रहा था, बिकॉज ये जो है मतलब रिलेट ऑलमोस्ट ज़्यादातर नहीं करता दूसरे लैंग्वेज से। जैसे कि हम लोग बोलेंगे हिंदी के साथ में दूसरा बिहारी है, आदिवासी है या फिर दूसरा कुछ बंगाली है, तो ये थोड़ा सा मतलब मायने करता है, लेकिन यहाँ का लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टोटली डिफरेंट है। तो शुरू में मुझको ऐसा लगता था सिर्फ, ठीक है, कि नहीं सीख पाऊँगा क्या है कैसा है, लेकिन जब मैंने सोचा कि चलो सीखना है, जब हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं और हमको यहाँ के लोगों का ताल में तो मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने जब सोचा कि सीखना है तो मैं सीख लिया, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने बात किया जैसे कि हमको इम्पोर्टेंट रह जाता है यहाँ का लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब बेसिक तो कम से कम आपको रहना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जब बेंगलोर आ रहे हैं कमाने के लिए, सबसे पहले यदि कमाने के लिए आ रहे हैं तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले मायने कर रहा है। दूसरा नंबर बात, यदि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो, कंप्यूटर का एक अच्छा बेसिक कोर्स हो या फिर एडवांस कोर्स का आपके पास डिप्लोमा हो, दैट इज विल बी द प्लस पॉइंट फॉर यू। एंड द थर्ड पॉइंट इज यू मस्ट नो इंग्लिश, ओके। फिर इंग्लिश आप अच्छा कुछ जानते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छा आपको जो है रोल अदा करता है यहाँ पर, कहीं पर भी कम्युनिकेशन बनाने के लिए हो या फिर कोई जॉब का कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, यदि 4-10 लोग में बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आता है और इफ़ यू कैन टॉक इंग्लिश वेरी गुड तो दैट विल बी द प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है। इंग्लिश के बारे में एजुकेशन आपका क्वालिफिकेशन, दूसरा इंग्लिश, और थर्ड जैसे कि मैंने कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताया, और फोर्थ यदि मैं पॉइंट के बारे में यहाँ पर आपको बता दूँ, जब आप बेंगलोर पर आएंगे तो यू मस्ट ट्राई टू लर्न हियर लोकल लैंग्वेज, दैट इज कन्नड़ लैंग्वेज, ओके। क्योंकि हर लोग अपने लोकल लैंग्वेज से प्यार करते हैं और यहाँ के लोगों का तो और ज़्यादा ही लगाव है, ठीक है। आप यदि यहाँ के लैंग्वेज को सीखते हैं या फिर सीखने का कोशिश भी करते हैं तो यहाँ के लोग जो है आपको मतलब एक सपोर्टिंग करते हैं और वो लोग थोड़ा सा क्या है कुछ अपनापन वो लोग महसूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ का सीखना चाहिए, नॉट ओनली द हियर लैंग्वेज। यदि आप जा रहे हैं अदर पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे कि आप बंगाल जा रहे हैं तो वो लोग भी सोचेंगे कि यदि आप बंगाली बात करते हैं तो थोड़ा सा अपनापन महसूस हो, या फिर आप दूसरी कोई ऐसा जगह जा रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है, मतलब तालमेल बिठाने के लिए जो है बहुत ही अच्छा आपको रोल अदा करता है, ठीक है। ये तो यहाँ के बारे में हुआ। तो आप तो यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे कि आपने आईटी कंपनी में देखे कुछ सैलरी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भी एज अ बिल्डर के कंपनी पर मैं काम करता हूँ, और हम लोग का जो है कुछ कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पर हमने आईटी कंपनी को जो है ये एज अ रेंटल दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छे एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी है। तो वहाँ पर जैसे कि मैंने देखा, देखिए आपका अच्छा एक एजुकेशन है उसी टाइप का, जहाँ जिस टाइप का यदि कंपनी का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने वहाँ पर देखा तो आपको स्टार्टिंग आपको 30,000 बेसिकली वहाँ बेसिक मिल जाता है, ठीक है, बेसिक 30,000 वहाँ पर मिल जाता है। और जैसे कि किन्हीं का 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो, उनका मंथली आपको 70,000 और एज ए एक्सपीरियंस एंड द एज पर द डेजिग्नेशन मैंने देखा वहाँ पर 2 लाख 4 लाख 6 लाख तक भी आपका एक सैलरी वहाँ पर वो लोग दे रहे हैं। तो आई थिंक आपका भी तो आईटी कंपनी है, वहाँ पर भी आई थिंक कुछ ऐसा ही कुछ रहेगा। आपने कुछ समझा जैसे कि बेसिक जो लोग आपके कंपनी में आते हैं कितना से स्टार्टिंग होता है और कितना तक रहेगा, जैसे कि आपने समझा है सर? मैंने भी एक्चुअली मेरा बात हुआ है एम्प्लॉय से,
मैंने कुछ एम्प्लॉय से बात किए हैं तो उन्होंने वही कहा जो आपने कहा कि स्टार्टिंग में उन लोग का एक्सपीरियंस के हिसाब में, स्टार्टिंग में फ्रेशियर के हिसाब में उन लोग को 38,000 प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जैसे ही उनका एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है डे बाय डे ईयर, उसे ही उनका सैलरी भी ग्रो करते रहता है। तो आपने जैसे कहा कि 5-6 लाख मंथली खाते हैं, सही बातें हैं वहाँ। उन्होंने वही बोला कि जो मेरे साथ बात किया है वो भी अभी वहाँ पर 2-2.5 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो अभी उनका सैलरी ऑलमोस्ट 85,000 जैसे है। तो यहाँ से पता चलता है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी भी बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच संजय जी ने आपने अपने वहाँ के कंपनी के बारे में बताया। तो यही है दोस्तों, ठीक है, ज़िंदगी में देखिए अभी हम लोग अपने होम टाउन पर, एक तो हमारा गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, ठीक है, पहला नंबर बात, या तो दूसरा नंबर बात है जो एक हम अच्छा एक बिज़नेस कर लें अपने ही गांव पर, और दो नंबर जो है वो बात मैंने बताया, लेकिन वो भी नहीं होगा तो आई थिंक हमको थर्ड नंबर जो है लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं, ठीक है, अब्रॉड में ऑल्सो दे कैन मेक ह्यूज मनी। और फोर्थ नंबर जो ऑप्शन रहता है हमको ऐसे ही जो है मेट्रो सिटी जो है इंडिया का, जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, वॉट एवर जो भी मायने रखता हो, तो वहाँ पर जाके जो है हमको अपना करियर का स्टार्टिंग करना पड़ता है। तो ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, मैं लोगों को क्या बोलते हैं वेलकम करना चाहूँगा बेंगलोर पर, ठीक है, बेंगलोर बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ जॉब का अवेलेबलिटी काफ़ी अच्छा है। आप अपने योग्यता के अनुसार, आप अपने क्वालिफिकेशन टैलेंट के अनुसार तो अपने योग्यता अपने टैलेंट के अनुसार में आपको जॉब तो यहाँ पर मिल ही जाता है, ठीक है। शुरुआत में वही बोलना चाहूँगा जो भी लोग बाहर से आना चाहते हैं, बहुत लोग मुझको क्वेश्चन करते हैं, तो वो लोग यदि यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो लोग यदि डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब ढूंढने के लिए, तो वो लोग मतलब पीजी में रह सकते हैं, ठीक है। पीजी विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम बिकॉज 5,000-6,000 में आपको ऑलमोस्ट वो मिल जाता है खाने का रहने का व्यवस्था, और शुरुआती का लेवल में आपको अलग से रूम देखना, फिर उसका एडवांस पे करना 20,000-40,000 कितना, तो वो थोड़ा सा मतलब असुविधा रहता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बेंगलोर में देखा जैसे कि लोग यहाँ लीज में भी रहना चाहते हैं बहुत लोग, तो लीज के बारे में भी थोड़ा सा बात किया जाए, तो वन ऑफ द माई फ्रेंड्स वो स्टे करता है करीबन 1 साल जैसा हुआ, तो उन्होंने एक अपार्टमेंट लिए हैं, मतलब रोड के सामने ही है, अच्छा ही है, तो उसमें से एक ग्राउंड फ्लोर का लिया है, तो वो आपको 6 लाख रुपए वो लोग ने पे किए हैं, ठीक है। तो 6 लाख रुपए देने के बाद में आपको 3 साल का लीज का एग्रीमेंट हुआ है, तो लीज काफ़ी अच्छा भी रहता है एक प्रकार से देखे तो, लेकिन आपको जो है अमाउंट थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। तो 6 लाख का है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपका 3 साल कम्प्लीट हो जाएगा तो जो ओनर पार्टी है जो है वो आपको 3 लाख रुपए उनको वापस कर देगा, और उनको घर जो है वही कंडीशन में आपको खाली करना पड़ेगा, और उस टाइम में जो है आपको वो लोग देखेंगे पेंटिंग का कुछ चार्ज हो या फिर कुछ चीज़ यदि डैमेज किए हो तो उसका वो लोग कटिंग करके आपको मतलब रिटर्न करते हैं, ऑलमोस्ट 10,000-15,000 या 12,000 जितना हो तो ऐसा वो लोग करते हैं, ठीक है। तो ये लीज के बारे में रहा, और रूम के बारे में, जॉब इधर उधर कुछ कैसे ढूंढना क्या करना, इसके बारे में मैंने पुराने वीडियोज़ में बताए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते मेरे पुराने वीडियो का।